कुछ चीज़ खत्म होती है तो वहीं ग्रोथ की शुरुआत होती है, जब आप कुछ नया करते हैं और पुश करते हैं। टायर्ड होते हैं क्योंकि यू नो अटैचमेंट हो जाती है किसी चीज़ से और एक जगह पे 12-12 घंटे शूट करना। हाय, दिस इज सागर पारेख एंड यू आर वाचिंग बाज़ूका टीवी। हेलो एंड वेलकम टू बाज़ूका टीवी, मैं हूँ शिवम और आज हम पांड्या स्टोर के सेट पर हैं और उस शो का आज लास्ट डे ऑफ शूट है और देखिए हमारे साथ कौन है, सागर है ना। सागर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। कैसे हो आप सागर? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। लेकिन मैंने जब ये खबर सुनी कि शो एंड हो रहा है, आज लास्ट डे ऑफ शूट है, तो आई वाज लाइक यार ब्रोकन कि मैंने इस शो को स्टार्टिंग से कवर किया है। आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोच रहे हैं इस समय, आपकी मानसिकता क्या? आई थिंक मेरे से ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए, सिंस यू आर सेइंग कि आपने इसको स्टार्टिंग से कवर किया है। बट या यू नो एज आई ऑलवेज से कि कुछ चीज़ ख़त्म होती है तो वहीं ग्रोथ की शुरुआत होती है, क्योंकि जब आप कुछ नया करते हैं तो आप अपने आप को और पुश करते हैं, डिफरेंट लिमिट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सो आई डोंट थिंक देर इज़ अ रीज़न टू बी सैड अबाउट एंड दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, सो यू बेटर गेट यूज टू इट इफ़ यू नॉट। सो या आई एम लाइक आई गॉट यूज टू ऑल दीज थिंग्स एंड मेरे लिए तो मतलब ऑफकोर्स सैड होते हैं क्योंकि यू नो अटैचमेंट हो जाती है किसी चीज़ से, डेली एक जगह पर आना और एक जगह पे 12-12 घंटे शूट करना एंड उन्हीं फेसेस को हर दिन देखना। अपनी फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड नहीं करते उतना हम यहाँ पे अपने को एक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो डेफिनेटली गेट्स डिफिकल्ट एंड देर आर लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड। बट या दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स, सो इट्स डेफिनेटली फाइन। लेकिन जब आप इस शो का पार्ट बने, द शो ऑलरेडी हैड अ लेगेसी ऑफ मोर देन 800-900 एपिसोड्स, राइट? जब आप इसका पार्ट बने, थोड़ा प्रेशर था या थोड़ा सा और ज़्यादा जिम्मेदारी भरा माहौल था आपके ऊपर, क्योंकि जब शो की इतनी बड़ी लेगेसी हो, ऑलरेडी इतने सारे कास्ट को लोगों ने देखा है, एज एन एक्टर क्या थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं? डेफिनेटली प्रेशर होता है और डेफिनेटली वो बैगेज भी होता है जो लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने का होता है एंड आई थिंक आई ट्रेन माई सेल्फ फॉर दैट इनफ कि हाँ मैं शो में एंटर करता हूँ तो आई ट्राई माई बेस्ट टू यू नो मेक थिंग्स राइट एंड इन द राइट डायरेक्शन, जैसा क्रिएटिव डिसीजंस होते हैं और जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर मैं एंटर करूँगा तो उससे उनको क्या बेनिफिट्स होंगे या जो भी कैरेक्टर मुझे दिया जाता है, तो आई पुट माई 100% एंड द रेस्ट इज इन द ऑडियंसिस हैंड। एंड उससे पहले मुझे बहुत सर्वे भी करना पड़ता है कि ऑडियंस किस चीज़ को इतना क्यों पसंद कर रही है और ये शो अगर हिट है तो क्यों है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ यू नो सर्वे ऑल्सो बिहाइंड ऑल दिस। बट या डेफिनेटली जैसा इस शो में भी हुआ है, मेरे एंट्री होने के बाद मतलब आई हैव गॉट नो क्रिटिसिज्म, मतलब पीपल लव मी इमेंसली एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट। अब जब आप इस छोटी सी जर्नी को देखते हैं, इसको समराइज करते हैं कि तो क्या क्या यादें आप यहाँ से लेकर जाएंगे? बहुत सारी यादें हैं यार, मतलब आई थिंक एवरी सीन इज स्टिल बाय हार्ट इनसाइड मी। एक डायलॉग मुझे याद है अभी तक, चाहे वो डे वन का हो या अभी का हो या रीसेंट अभी जो हमें स्क्रिप्ट मिली है उसकी हो, लॉट ऑफ मेमोरीज। बट अब क्या है कि शूट की इतनी आदत हो गई है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मेमोरी नहीं है कि बहुत याद रहने वाला है एंड लकली ऑल द मेमोरीज आर वेरी गुड, सो डेफिनेटली सारी मेमोरीज मैं अपने साथ बांध के ले जाने वाला हूँ एंड आई एम ग्लैड दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग शो एंड सच अ गुड शो पांड्या स्टोर, क्योंकि आई थिंक 1100 एपिसोड्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, सो इट्स अ बिग नंबर एंड इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। हैट्स ऑफ टू द क्रू एंड द प्रोडक्शन एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट। किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है? इसमें काफ़ी सारे जो एक्टर्स हैं मैं सभी को जानता हूँ, बहुत सारे प्यारे लोग हैं इन लोग, बहुत दिल से सभी से अटैच हो जाते हैं, तो आपकी बॉन्डिंग किसके साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा शूट प्रियांशी के साथ किया है, सो आई थिंक उससे काफ़ी डे वन से ही हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी एंड वी मेड श्योर कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो शायद हम इतनी ईजली और इतनी स्मूथली ये सारी सीन्स जितने भी ऑडियंसेस ने देखे हैं और पसंद किए हैं वो उतनी इफेक्टिवली उन तक पहुँचती नहीं, तो डेफिनेटली इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम बोथ द साइड यू नो एफर्ट्स वर मेड कि हाँ हम यू नो थोड़ा आप समझो थोड़ा हम समझे एंड इट्स लाइक दैट। बट देर वॉज नथिंग वेरी क्रिटिकल अबाउट इट बिकॉज प्रियांशी इज़ वेरी यू नो वेरी स्पोर्टी एंड वो बहुत मतलब चीज़ों को सजेशंस को बहुत ईजिली ग्रैप भी करती है और बहुत ओपनली ग्रैप करती है, एक्सेप्ट भी करती है, सो इट्स वेरी नाइस। तो मेरी आई थिंक उससे सबसे ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनी है, बाकी सब तो आई थिंक आई बीन शूटिंग पिछले कुछ 10-15 दिनों से फैमिली के साथ एंड उनके साथ भी काफ़ी अच्छी बन गई है, सो बट सिंस यू आस्क किसे सबसे ज़्यादा बनी है तो आई थिंक इट्स प्रियांशी। थैंक यू सो मच। जनरली एक्ट्रेस एक आर्टिस्ट का नाम नहीं लेते, बोलते हैं सभी से अच्छी है, बट थैंक यू सो मच यू सेड दैट एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर व्हाटएवर यू डू इन लाइफ। थैंक यू ब्रदर।